क्या कुछ बात करें सर, कुछ बात करी कर दीजिए, क्या कुछ नहीं बेटा नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में आतंकी गतिविधि होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर आईबी ने बिहार पुलिस को अलर्ट किया और साथ ही सरकार की तरफ से भी लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जो छापेमारी है वो करवाई जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस वक्त एनआईए भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इस वक्त ताज़ा तस्वीरें बिहार के दरभंगा ज़िले से सामने आई है, जहां पर सुबह सुबह एनआईए की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। और ना सिर्फ दरभंगा, बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर आज एक साथ एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनआईए की टीम है वो दरभंगा में छापेमारी करने के लिए पहुंची है। बता दें कि फुलवारी शरीफ टेरर मामले में बिहार के कई जिलों में एनआईए की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची, जिसमें मोतिहारी, दरभंगा, नालंदा समेत कुछ और जिलों में छापेमारी की सूचना है। पटना के फुलवारी शरीफ में भी रेड हो रही है। गुरुवार की सुबह एनआईए की टीम जो है वो दरभंगा पहुंची। उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा लखनऊ से गिरफ्तार दरभंगा के उर्दू बाजार के शेर मोहम्मद गली के रहने वाले वकील नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की गई। दरभंगा में एनआईए की एक टीम किराए के मकान में रह रहे नूरुद्दीन जंगी के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी टीम जिले के सिंहवाड़ा में शिंकरपुर के सनाउल्लाह उर्फ आकिब के और मुस्तकिम के घर छापेमारी करने के लिए पहुंची। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में एनआईए की टीम मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ के गांव कुआवा पहुंची। रियाज के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही एनआईए की एक टीम बिहार के नालंदा पहुंची है। सोहसराय थाना क्षेत्र के महुआ टोला, लहेरी थाना क्षेत्र के कटरा पर और बिहार थाना क्षेत्र के ही गढ़पर मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। और बताया जा रहा है कि जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है ये सभी एसडीपीआई से जुड़े लोग हैं। एनआईए की टीम पूरे घर की तलाशी ले रही है। महुआ टोला के मोहम्मद फैज, कटरा पर के असगर शमीम, गढ़पड़ के एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष लाल बाबू के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। इसके साथ बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ से सीमी के सदस्य रहे अतहर परवेज के घर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। सुबह सुबह करीब 6:30 बजे एनआईए की टीम जो है वो आज छापेमारी करने के लिए पहुंची और इस दौरान छापेमारी में भारी संख्या में पुलिस फोर्स आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। वहां अभी किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। आपको बताएं कि फुलवारी शरीफ टेरर मामले में लगातार छापेमारी और पूछताछ की जा रही है और जिन लोगों का नाम सामने आया है में अतहर परवेज, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन खान, अरमान मलिक, एडवोकेट नरुद्दीन जेल में बंद है। इन लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। अतहर परवेज के आतंकी नेटवर्क में देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने के आरोपों के बारे में पुख्ता सबूत मिलने के बाद इस मामले को अब एनआईए को सौंप दिया गया है और यही वजह है कि आज सुबह से ही बिहार के अलग अलग जिलों में एनआईए की जो टीम है वो छापेमारी करने के लिए पहुंची। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिए जाने की जो जानकारी है वो सामने आई, जिसके बाद बिहार सरकार और एनआईए पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा और यही वजह है कि आज सुबह सुबह की ये जो तस्वीरें हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों से देखने को मिली है, जहां पर एक साथ इन सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।